नमस्ते, मेरा नाम राजन है और आप एवन बिहार देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के तीन सुपरस्टार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले खेसारी लाल यादव, दूसरे नंबर पे आते हैं पवन सिंह, तीसरे नंबर पे आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। दोस्तों, इन तीनों सुपरस्टार के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस महामारी में, जिससे पूरे लोग परेशान हैं, हैरान हैं, इस महामारी में इन तीनों सुपरस्टार ने बिहार के भारत के लिए क्या किया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आप भी मानते हैं कि ये जितने भी सुपरस्टार हैं, ये सिर्फ अपने बदौलत नहीं है, हमारे और आपके और इस जनता के बदौलत हैं आज इन्हें इस मुकाम पे बैठाई हुई है। दोस्तों, तो इनका क्या फर्ज बनता है जनता के लिए, आइए जरा देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपकी कोई शिकायत है, तो ये रहा लिंक इंस्टाग्राम का, यहाँ आइए और आप हमसे बातें कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। दोस्तों, पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और वो हर समय किसी न किसी वजह से फेमस और चर्चा में रहते ही हैं। और अगर बात करें इस क्राइसिस की, तो इस क्राइसिस में पवन सिंह ने दिखा के कुछ करते नज़र नहीं आए हैं। मतलब हमने उनका सारा सोशल मीडिया खंगाला, यहाँ से कुछ ऐसा पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चल सके कि पवन सिंह ने क्या दिया है। ऐसे वो करते हुए बहुत कम दिखते हैं और इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ऐसा मतलब लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं, तो उनका कहना था कि मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं बस कर देता हूँ। खैर, ये तो बात हुई पवन सिंह की। बढ़ते हैं अगले सुपरस्टार जो कि हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। दोस्तों, भोजपुरी के दिनेश लाल यादव निरहुआ नेता के साथ साथ अभिनेता भी हैं, यानी कि उनका नेतागिरी में भी उतना ही परचम है जितना अभिनेता में है। मतलब अपने जगह वो बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं। और डोनेशन दान की बात करें तो भोजपुरी के एकमात्र सुपरस्टार जिन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है, जो कि बिहार और भारत के लोगों की मदद करेगा। उनका कहना था कि एक फिल्म की जितनी भी कमाई होगी वो सब मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि भारत के लिए मैं दे दूँगा। और आपको पता है कि एक फिल्म की कमाई 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का प्रॉफिट होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब 50 लाख से तो कम नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कुर्बानी कितनी थी। अब बात करते हैं आपके अपने पसंदीदा खेसारी लाल यादव के बारे में। दोस्तों, हर समय खेसारी लाल यादव मदद करते दिखाई देते थे, लेकिन एवन बिहार के हाथ इस बार कोई पुख्ता सबूत, जी हाँ, एक बार फिर से कान खोल के सुन लीजिए कमेंट करने से पहले, कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे आप ये कह सकें कि ये मदद खेसारी लाल यादव नहीं किया है। मैं खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन पहले मैं इस न्यूज़ पे सही खबर दिखाऊंगा आपको और झूठी खबर नहीं फैला दूंगा कि इतना दे दिए खेसारी लाल यादव और आप खुश हो जाए। खैर, हम बताते हैं खेसारी लाल यादव ने किया क्या है। खेसारी लाल यादव ने आके जनता से बस अपील की है कि आप लोग घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने ये हिदायत दी थी। दोस्तों, तो ये कुछ तीन सुपरस्टार जो कि मदद किए बिहार के लोगों की, वो कुछ अपने अंदाज में इस तरीके से किए हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।